गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर टेन सॉरी चैप्टर सेवन पॉइंट थ्री। इसके पहले वाले वीडियो में ये पढ़ाया गया था, लेकिन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से वो ये पोर्शन कट गया था, इसीलिए इसको हमको पुनः बनाना पड़ा। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का विद्युत ऊष्मक या हीटर। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसकी संरचना से भली भांति परिचित हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो इसको शब्द देने की आवश्यकता होगी, वाक्यों में पिरोने की आवश्यकता होगी, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे कि विद्युत हीटर में चीनी मिट्टी का एक प्लेट होता है और उस प्लेट में खांचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? खांचे। देखिए ये खांचा है, यहाँ तक आया है, ये खांचा है, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन खांचा है, ये बीच वाला पोर्शन खांचा है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है? खांचा है, ठीक। तो विद्युत हीटर में चीनी मिट्टी का एक प्लेट होता है जिसमें खांचे बने होते हैं, ठीक। इसमें तापक तार का प्रयोग होता है, तापक तार नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम क्या है? ये नाइक्रोम धातु जो है ये 80% इसमें निकिल और 20% क्रोमियम मिला होता है। तापक तार नाइक्रोम का होता है, यह 80% निकिल और 20% क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक। तो हम करते क्या है कि खांचे में जो चीनी मिट्टी का प्लेट है उसे खांचे में दो पेंच लगे होते हैं। तो ये जो तापक तार है ये कुंडली नुमा होता है, जैसे आपने स्प्रिंग देखा है ऐसे ही कुंडली नुमा होता है। इसके एक सिरे को इस पेंच में कस देते हैं, इसके बाद उसको खींचते हैं, खींच करके इन खांचों में क्या करते हैं? पिरो देते हैं, ऐसे देख रहा है ना, ऐसे। फिर लास्ट उसका जो अंतिम सिरा है उसको फिर दूसरे पेज में हम क्या कर देते हैं? कस देते हैं। और हम जानते हैं कि आर समानुपाती यल ये कुंडली नुमा क्यों होता है? क्योंकि इसे कम स्थान में कम दूरी में ज़्यादा लंबा तार आ सके। जब तार लंबा अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो यस बराबर आई स्क्वायर आर टी, जब आर का मान बढ़ेगा तो हीट का मान बढ़ेगा, उष्मा का मान बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए कुंडली नुमा लेते हैं। कुंडली नुमा तार नाइक्रोम वायर लेने का केवल एक कारण है कि बहुत अधिक लंबा तार कम दूरी में आ जाए, ठीक। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, हाँ, इसका तापमान जब 800 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है तो ये रक्त तप्त हो जाता है। क्या? रक्त तप्त हो जाता है, और रक्त तप्त हो करके ये ऊष्मा देने लगता है, ठीक है। तो बेटा इसको हम समझा दिए हैं, छोटा सा इसका छोटी सी परिभाषा है और संरचना है, इसको आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, ठीक। अब आता है विद्युत फ्यूज। देखिए विद्युत बल, विद्युत स्थिति, विद्युत ऊष्मक, ये तीन में से एक कोई एक क्वेश्चन प्रायः पूछ लेता है, ठीक है। इस चैप्टर से थियोरी में यही पूछेगा, या तो विद्युत बल पूछेगा, या तो हीटर पूछेगा जो पढ़ रहे हैं आप, या स्थिति पूछेगा, ठीक है। तो तीन में से कोई एक पूछता है अक्सर, आप उठा करके अनसॉल्व पेपर देखेंगे पूछता है, ठीक। या कभी कभी पूछता है कि विद्युत फ्यूज किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज मोस्टली तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल इसमें से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो पिछला चैप्टर, ये चैप्टर, हालांकि सारे चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन इस चैप्टर से अधिक मार्क्स के न्यूमेरिकल आने की संभावनाएँ रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे विद्युत फ्यूज की। तो बेटा ये तो लिख दिया हूँ, लेकिन मैं समझाना चाहूँगा, दो स्थितियों में तार में आग लग जाती है। पहला ओवरलोडिंग आप समझ रहे हैं, ओवरलोडिंग को कहते हैं अधिभारण, ठीक है।
अधिभारण ओवरलोडिंग को। होता क्या है कि जो तार आप लगाए हुए हैं घर में, आपके घर में जो तार है उसमें से अधिकतम कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है वह निर्धारित है। इसे 10 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर के तार मिलते हैं आपको, ठीक है। तो पता चला कि आपने कोई जो घर में जो आप तार लगाए हैं उससे अधिक से अधिक 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो सकती है, उसमें से अधिक 10 एम्पियर की धारा बह सकती है, ठीक। तो हुआ क्या कि आप कुछ ऐसा उपकरण लगा दिए घर में कि उसको 12 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ने लगी। अब बताइए, जिस तार में केवल 10 एम्पियर की धारा बहती है, अगर उस तार में 12 एम्पियर की धारा बहेगी तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा। अब जब गर्म होगा तो दो तार होते हैं, तो जब दोनों गर्म होंगे तो पिघल जाएंगे, और पिघल क्या होंगे आपस में, शॉर्ट लघुपतन। क्या लघुपतन? या कभी कभी ऐसा भी होता है, अलग अलग भी तार हैं तो गल जाते हैं, जलने लगते हैं, अलग अलग अगर तार हैं तब भी जलने लगते हैं, ठीक है। तो अगर अधिक ओवरलोडिंग का मतलब हुआ तार की क्षमता, तार में धारा प्रवाहित होने की जो क्षमता है, अगर उससे अधिक धारा बहेगी तो आग लग जाएगी परिपथ में। अगर परिपथ में आग लग जाएगी तो घर में भी आग लगने की संभावना है, ठीक। ये कारण होता है। दूसरा कारण है लघुपतन, शॉर्ट सर्किट, SHORT, शॉर्ट सर्किट, CIRCUIT, शॉर्ट सर्किट, कहते शॉर्ट कहिए, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की हिंदी है लघुपतन या लघुपतन। कभी कभी क्या होता है कि चूहे वगैरह तार काट देते हैं, दो तार ऐसे एक में गए हैं, पता चला कि स्पर्श कर गए दोनों एक दूसरे को, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श कर गए तो प्रतिरोध का मान लगभग जीरो की तरफ होता है, प्रतिरोध घट जाता है, और धारा का मान ये बढ़ता है अनंत की तरफ, मतलब बहुत अधिक। जब लघुपतन होता है, दो तार आपस में स्पर्श कर जाते हैं, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। जब धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा तो तुरंत आग लग जाएगी। अरे आप देखते रहिए, कितने शॉर्ट सर्किट में बताने में तो देरी लगती है लेकिन आग लगने में देरी नहीं लगती। तो चलिए भाई, कि दो स्थितियों में परिपथ में आग लग सकती है, पहला ओवरलोडिंग, दूसरा शॉर्ट सर्किट, अधिभारण एवं लघुपतन, ठीक है। ऐसा खतरा ना हो इसके लिए हम लोग एक फ्यूज तार लगाते हैं। फ्यूज तार होता क्या है कि यह देखिए तांबा, टीन और शीशे से मिलकर बना होता है फ्यूज वायर, और हम लोग कितने बेवकूफ़ है जरा देखो कि तार छील करके उसी से एक तार निकाल करके फ्यूज बांध देते हैं, वो गलत है, 100% गलत है। फ्यूज वायर स्पेशली आता है, ठीक है, और वो किससे मिलकर बना होता है, तांबा से, टीन से और शीशे से मिलकर बना होता है। और इस फ्यूज वायर को चीनी मिट्टी के होल्डर में दो पेच होते हैं उसी में हम लोग कस देते हैं, इसका खांचा बना होता है उसी में बैठाते हैं। बहुत कुछ नहीं लिखेंगे इस बारे में, बहुत शॉर्ट भी चलना होगा हम लोगों को, देख रहे हैं आप लोग उसको। तो होता क्या है कि जो फ्यूज वायर है इसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होने का मतलब जो तार आपके परिपथ में लगे हैं, अगर सपोज करो कि अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहे हैं तो कि 60 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाएगा। ध्यान दो, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, तार का ताप बढ़ा, परिपथ के तार का ताप बढ़ा, तो फ्यूज तार का भी ताप बढ़ जाएगा। तो परिपथ के तार के पिघलने के पहले क्या हो जाएगा, फ्यूज तार क्या होगा, गल जाएगा। जब गल जाएगा तो क्या होगा, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो आग नहीं लगेगी। इसीलिए परिपथ के श्रेणी क्रम में फ्यूज वायर को, फ्यूज तार को क्या करते हैं, जोड़े रहते हैं, ठीक है, कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, ठीक है, आग लगने से पहले वो गल जाए, इससे धारा का प्रवाह क्या हो, रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है
अधिभारण एवं लघुपतन की स्थिति में परिपथ में आग लगने से बचाने के लिए प्रयुक्त होने वाला तार फ्यूज कहलाता है। ठीक है, इसका गलनांक परिपथ में प्रयुक्त तारों से कम होता है। यह ताबा, टिन और शीशे का बना होता है। फ्यूज तार चीनी मिट्टी के होल्डर में लगे दो पेचों के बीच जुड़ा रहता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, बस इतना पर्याप्त है फ्यूज वायर के लिए। इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बेटा न्यूमेरिकल पढ़ाने के पहले 402 पेज अरिहंत की किताब में है, एक चीज भूल गया था नहीं बताया मैं, दो चीज, एक ये विद्युत ऊर्जा का औद्योगिक मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। एक यूनिट बराबर एक किलोवाट घंटा। एक किलोवाट मतलब 1000 वाट। अगर 1000 वाट का कोई बल्ब, कोई उपकरण या हीटर अगर एक घंटा चल गया तो बिजली कितना खर्च हुई? एक यूनिट। ऐसे आप घर में जो कुछ भी लगा है आप खुद नोट कर लीजिए, बल्ब लगे हैं कितने वाट के, हाँ, और कुल आप जोड़ लीजिए कुल कितना वाट बिजली आने, कितना वाट का उपकरण कार्य कर रहा है। इससे पता चला कि आप घर में 2 किलोवाट का, कितना 2 किलोवाट, 2000 वाट का है। अगर आपने एक घंटा यूज किया, क्या करो, एक किलोवाट है, एक घंटा यूज किया आपने एक यूनिट, 2 घंटा यूज किया आपने तो 2 यूनिट, 3 घंटा यूज किया रोज तो 3 यूनिट। समझ रहा है कि नहीं? इस समय यूनिट से बिजली का बिल भी आ रहा है, जानना चाहिए आप लोगों को। इससे मान लीजिए पता चला कि आपके यहाँ जो है कि 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट का उपकरण लगा हुआ है आपके घर में, अब 1 घंटा चला तो 2 यूनिट। बोलो भाई, अब 1 घंटा चलेगा 2 यूनिट ना, 1 घंटे में 2 किलोवाट बिजली खर्च हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि किलोवाट घंटा का मतलब समझाने के लिए हमने आपको बताया। ठीक है, 2 किलोवाट का उपकरण लगा हुआ, अगर 2 घंटा चलाता 4 यूनिट, 1 घंटा में 2 यूनिट, 2 घंटा में 4 यूनिट। एक चीज ठीक है, और इसमें एक बताऊं, एक बात और, 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर समरसेबुल लगा है आपका 3 हार्स पावर का, तो 746 गुणे 3, 3 6 18, 3 6 12, 13 हंसी लगा, 1 3 21 22 इतना वाट हुआ, मतलब 2.24 किलोवाट। क्या किलोवाट हुआ? अब बताओ अगर आपका समरसेबुल 1 घंटा चला तो 2.24 यूनिट, ध्यान दो पहले, अगर 1 घंटा चला 2.24 यूनिट, अगर अब इसी तरह से 4 घंटा चले, 10 घंटा चले, तो आप खुद निकाल सकते हैं कि इतना यूनिट जो है बिजली हमने खर्च किया। ठीक है, तो 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर, 1 अश्वशक्ति ये होता है। दूसरी चीज ये है कि व्यय ऊर्जा के लिए या तो हम ऐहिक नियम का प्रयोग करें। जब ऐहिक नियम का प्रयोग करेंगे तो सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे, मतलब उसका हल काफी लंबा हो जाएगा। तो व्यय ऊर्जा बराबर शक्ति, वाट में रखो, फिर उपकरण की संख्या गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 कर देंगे, क्या निकल जाएगी? व्यय ऊर्जा की मात्रा यूनिट में। व्यय ऊर्जा की मात्रा किस में निकलेगी? यूनिट में निकलेगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर V बराबर 120 वोल्ट विभवांतर पर
12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। क्यू बराबर 12 कूलाम, 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ई बराबर वी इंटू क्यू, वी कितना है 120, क्यू कितना है 12, 144 इतना क्या वाट। लेकिन कितना समय में, कह रहा है कि एक हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश, भाई 12 कूलाम जितना देर में बहे उतने समय में, जितना समय में बहे हो, समय की बात यहाँ पर नहीं है। कितना हुआ 1440 वाट है? नहीं यार वाट, हाँ वो तो जूल में निकाले थे हम लोग, क्या जूल, ये जूल निकल रहा है, ठीक है, यहाँ वाट की बातें नहीं आई, चलिए ठीक है, ये जूल में है। अब इसी में अगर 4.2 का भाग दे देंगे तो कैलोरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैलोरी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर इसमें 440 जूल प्रति सेकंड, 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है, तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। देखो I बराबर दिया है 0.44 एम्पियर, ठीक है, और कह रहा है कि व्यय ऊर्जा E बराबर दिया है 440 जूल, और T कितना है एक सेकंड, एक सेकंड में 440 जूल ऊर्जा क्या हो रही है व्यय हो रही है। कह रहा है कि विभवांतर की गणना कीजिए, V बराबर क्या, चलो क्या जाएगा E अपॉन आई टी, बोलो भाई सॉरी आई टी ठीक है, तो E कितना है 440, I कितना है 0.44, T कितना है एक सेकंड, तो इसको भी जीरो जीरो कर सकते हो, कितना आया 3.0/44 51 1000, कितना आया 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट, नोट कर ले प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब में प्रति सेकंड कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। भी बराबर दिया है 10 वोल्ट और आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर, टी बराबर दिया है एक सेकंड, कह रहा कितनी जूल उष्मा उत्पन्न होगी। ई कहिए डब्ल्यू कहिए एच कहिए तो वी आई टी कर लेंगे, 10×10.5×1 कितना हो जाएगा बाबू 5 जूल, कितना हो जाएगा 5 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक तार के सिरों का विभवांतर, पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आया था 2008-2006 में दो नंबर का, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है 2016 में पूछा था, ये 2016 में 2 मार्क्स का पूछा था। कह रहा है कि एक तार के सिरों का विभवांतर भी बराबर दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने पे 20 सेकंड में टी बराबर 20 सेकंड में ई बराबर उत्पन्न उष्मा कितना 15 जूल है, कितना है 15 जूल है, हाँ कह रहा है धारा में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, कर लेंगे क्या ई इज इक्वल टू बी आई टी,
आई इज इक्वल टू ई अपॉन वी, सॉरी ई अपॉन वी इंटू टी। ई कितना है 15, वी कितना है 1.05, टी कितना है 20। बोल भाई इसको 0.0 लिख सकते हैं, 150/15 × 20, 15 × 10 = 150, 10 × 20 बराबर 1/2 = 0.5 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1000 वाट सामर्थ्य वाले, टी बराबर दिया है 1000 वाट, ठीक है, सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, वी बराबर 250 वोल्ट से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला है हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर से प्रवाहित धारा, तो P इज इक्वल टू V इंटू I, भाई V I T अपॉन T, V I, I इज इक्वल टू P अपॉन V। बोल भाई P कितना है 1000 और V कितना है 250 चौके बराबर 4 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें, सेकंड हीटर का प्रतिरोध तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आर इज इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर, पी कितना है 1000, आई स्क्वायर 16, ठीक है, 4 × 16, 4×25 = 100, 250, 2×2 = 4 और 2 = 125, 125/2 2×6 = 12, 2×2 = 4 इतना ओम। आप बराबर कितना आया 5 ओम, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है आप लोगों से, क्या हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा, मतलब टी बराबर 60 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा इज इक्वल टू, अब तो आपको आई ही पता है आर ही पता है, हाँ तो क्या लिख दो इक्वल वी आई टी। बोले यार बहुत सा वी आई टी होता है, नहीं वी आई टी जगह क्या लिख दो पी, वी इंटू वाई जगह क्या लिख देंगे पी, पी इंटू टी। वैसे भी होता है कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू या E अपॉन T होता है ना, और E इज इक्वल टू P इंटू टी, पी कितना भैया 1000, टी कितना है 1 मिनट 60 सेकंड, तो कितना हुआ 6×4 जूल, इतना जूल, इतना जूल, ठीक है। फिर इसको आप नोट कर लें इधर वाला, हम क्या आएंगे, फिर कह रहा है हीटर का 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यय। चलो भाई बराबर सत्य गुणे उपकरण की संख्या गुणे घंटा, दिन की बात किया ही नहीं है, ठीक है, 2 घंटे की बात, दिन की बात नहीं किया, गुणे दिन नहीं लिखेंगे, / 1000, ठीक है। क्या ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। चलो भाई तो हीटर की शक्ति कितनी है 1000 वाट, कितना 1000, कितना हीटर है 1, घंटा कितना है
दो बटे बटे 1000 कट गया, बराबर 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा या यूनिट। सीधी सी बात थी बेटा कि अगर शक्ति कितना है, 1000 वाट है, एक घंटा चलेगा 1000 वाट, 2 घंटा चलेगा 2000 वाट, 3 घंटा चलेगा, अभी बताया थे आप लोगों को वैसे ही, लेकिन लगाना कैसे था, इस सूत्र का उपयोग करना था हमको, इसीलिए हमने ऐसे बताया आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कर लें, आगे अब मिटाएंगे हम। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा था 2014 में, नहीं सॉरी 2020-12 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2012 पूछा था। ये कह रहा है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, I का मान दे दिया 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, परिपथ में लगे 2 ओम, R बराबर 2 ओम, प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, T बराबर 1 सेकंड, तरंग ऊष्मा की मात्रा S बराबर क्या। हमने कहा कि S बराबर E बराबर W, ये तीनों एक ही चीज़ है, बताए थे आपको। तो S बराबर I स्क्वायर RT कर लेंगे, I 10 का स्क्वायर 100, R 2 × 1 बराबर 200 जूल। चल भाई, इतना सस्ता 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये 2014 में पूछा था, इतना 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का पूछा था, देखो कितना सरल है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी चालक तार में सिरों पर विभवांतर 20 वोल्ट है, V बराबर कितना दिया है, 20 वोल्ट कितना दिया है, 20 वोल्ट सॉरी 30 वोल्ट है, तथा धारा का मान 3 एम्पियर है, I बराबर 3 एम्पियर है, तार में ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर माने भैया शक्ति, क्या पूछ रहा है, शक्ति P = V × I, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊर्जा प्रवाह की दर, कार्य करने की दर, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब इसमें जो आपको बहका दिया है, हाँ बस हम जूल पर सेकंड में क्या लेंगे, क्या जरूरत है, 30 × 3 बराबर 90 जूल प्रति सेकंड या वाट, ठीक है। आपके बुक में कैलोरी में दिया, कैलोरी पर सेकंड, हमने जूल पर सेकंड निकाला है, कोई पाप नहीं किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, पहले तो नोट कर लीजिए, 8 लंबा है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 220 वोल्ट हुआ 10 एम्पियर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, मोटर की कार्य दक्षता 80% है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यह 2014 में 7 नंबर का पूछा था, अंतिम क्वेश्चन रहा होगा ये। ए बेटा, जैसे जितना ऊर्जा मोटर व्यय कर रही है उसका 80% ही कार्य में लगा रही है, और बाकी के बाकी क्या हो रहा है, लीकेज हो जा रहा है, वेस्टेज में कचड़े में चला जा रहा है। तो मोटर क्या, मोटर का की दक्षता कितनी है, 80%। तो मोटर द्वारा द्वारा किया गया कार्य, मोटर जो कार्य करेगा तो वो कहाँ जाएगा, टंकी में जो पानी जाएगा ना भाई, पाइप साफ चढ़ाएंगे ना इसमें, तो जो टंकी में जो पानी आएगा इस
पानी की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मोटर द्वारा किया गया कार्य बराबर पानी की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य कितना कर रहा है, वी आई टी वी इंटू आई इंटू टी, यही कार्य है। इसका 80% ही कितना, 80% बराबर क्या है, ई एम जी एच। ठीक बेटा, जो कार्य कर रहा है दक्षता मतलब 80% दिया है कि 80% ऊर्जा ही पानी को टंकी में, 80% कार्य जो है उसका वही पानी को जो है टंकी में भेज रहा। तो कर लेता हूं, ये दिया है 220, आई का मान दिया है 10 एम्पीयर, टी का मान है आधा घंटा मतलब 30 मिनट बराबर 1800 सेकंड गुणे 80/100 बराबर, एम का मान पूछा है, जी का मान 10 दिया है, एच का मान 40 दिया है। ठीक है बेटा, एरिया 20 समाप्त हो गया। चलो 1 2 3 एक सेकंड बेटा, इधर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 2 0 और 3 0, पहले तो 3 0 ले रहा हूँ, 3 0, अब फिर किसका मल्टीप्लाई करना है, 18 8 जान लो। इसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यानी 220 गुणे 10 गुणे 18 गुणे 80 बराबर एम गुणे 10 गुणे 40। ये बेटा ये भी कट जाएगा आपका, 10 9 10 10/2 है, ठीक है, 40 40 40 2 80। ठीक है, अब 22 गुणे 18 220 गुणे 10 गुणे 18 80 10 10 काट दिए होते बढ़िया था, लेकिन चलो 22 गुणे 10 गुणे 18 गुणे 2 = m। ठीक है, तो 18 2 36 36 में 22 से गुणा कर दो, 2 6 12 क्यों हाथ से लगा, 1 2 6 12 सारी क्योंकि 6 7 2 7 2 7 2 9 एक जीरो है, इतना 7920 की ग्रह बराबर m, m बराबर आ गया कितना, m बराबर 7920 किलोग्राम। मेरा लेट मी सी द आंसर। ठीक है बेटा, इसको केवल वैज्ञानिक विषय लिखा है, 3 m दशमलव लगा दिया, 7.9 2 0 × 10³ की ग्रह। अगर वैज्ञानिक विषय लिखना नहीं आता है एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।